नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए के दोस्तों एक सटीक रणनीति दोस्तों मैं लेके आया हूं। दोस्तों जैसा कि दोस्तों मेरे माइंड में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है और अब तो दोस्तों एक नया जुनून सिर पे सवार हो गया। दोस्तों 250 में से 200 बच्चों का सिलेक्शन कराना, दोस्तों ये जुनून दोस्तों एक सिर पर बोलने लग गया। दोस्तों तो दोस्तों कल से आप लोग दोस्तों कमान संभाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि कल से होने जा रहा कुछ नया। क्या नया होने जा रहा सुनिए मित्रों। सबसे पहला कल का दिन कैसे होगा दोस्तों, सुबह 6 बजे आप उठते होंगे, आप लोग डेली का टेस्ट पेपर देते होंगे। कल टेस्ट नंबर 16 होगा, पता ही दोस्तों 16 या 17 जो भी रहेगा वो डेली का टेस्ट पेपर रहेगा, जो 40 जो टेस्ट है जो डेली होते हैं जो आपको बताया। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको 8 बजे एक टेस्ट और देना है। वो टेस्ट कौन सा होगा? कंप्यूटर का। दोस्तों मैंने कंप्यूटर को थोड़ी अलग से महत्व बता दिया, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में आएंगे 8 से लेकर 10 प्रश्न, तो मैं चाहता हूं कि 8 से 10 प्रश्न आपके सही हो जाए। तो आपको डेली 8 बजे कंप्यूटर का टेस्ट देना है। मैं डेली कंप्यूटर के 20 प्रश्न आपसे पूछूंगा और उन 20 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करूंगा दोपहर के 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। फिर दोस्तों शाम को आप लोगों के लिए 7 बजे या शाम को 6 बजे, 6 बजे या 7 बजे जो भी रहेगा, डेली आपके लिए दोस्तों लेके आ रहा हूं दोस्तों एक नया आयाम या नया तरीका। वो क्या है? ये बुक दोस्तों है संगणक की, जो राजस्थान में जिसने भूचाल मचा रखा है। राजस्थान में नंबर वन अगर कोई किताब चल रही है संगणक की, तो डॉक्टर मुकेश पंचोली की किताब है, जो आप देख सकते हो दोस्तों। इस किताब का रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। इसका मतलब समझते हो दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब बता देता हूं आपको कि आपको लिखाऊंगा कुछ नहीं, बस मेरे पास इस किताब की पूरी पीडीएफ रहेगी। वो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ये किताब सब अपने पास रखना और चुपचाप डेली 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाना। पूरी किताब को 10 दिन के अंदर रिवीजन कराऊंगा, यानी 23 तारीख से लेकर दोस्तों लगभग 4 या 5 तारीख तक इस पूरी किताब का रिवीजन करा दूंगा। और इस किताब अच्छा ये रिवीजन करा दूंगा, टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, यानी कल पहले चैप्टर का रिवीजन होगा, फिर डेली दूसरे चैप्टर का, ऐसे चलता रहेगा रिवीजन। ओके, और फिर तुम क्वेश्चन के प्रश्न, इनके प्रश्न ऑलरेडी मैं करा चुका। कहां पर? 53। आपको देखो मेरे ऐप में 53 टेस्ट है, तो सारे टेस्ट पेपर है। तो दोस्तों कल से होगा दोस्तों इस बुक का पूरा रिवीजन। इस बुक में जहां पर भी कोई डाउट होगा तो आप बुक अपने पास लेकर बैठना। इस बुक में मैं लिखाता रहूंगा कि पहले पेज में ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो, ये काम आएगा। दूसरे पेज में ये टॉपिक काम आएगा, ये कर दो, ये कर दो। मतलब इस बुक का करेंगे दोस्तों अपन पोस्टमार्टम। इस बुक का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। मैं एक एक पेज को रीड करूंगा और उस एक एक पेज में से जितनी जितनी इंपॉर्टेंट बातें रीड कर लेंगे, पूरी गीता कहूंगा कि ये ऐसा नहीं, मैं मां ये टिक कर लो, ये टिक कर लो, ये काम का ऐसे काम। मतलब एक होता फास्ट क्विक रिविजन, जिसको होता क्रेश कोर्स। तो कल से होगा आपका क्रेश कोर्स, 10 दिन का क्रेश कोर्स रहेगा, जिसमें आपका पार्ट बी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और एक खुशखबरी हो रहा है, इस सैटरडे के दिन दोस्तों आपकी एक मैराथन कक्षा होगी 5 से 6 घंटे की मैथमेटिक्स की, जो हमारे सुरेश सर आपको पूरी मैथ्स कंप्लीट कराएंगे एक ही क्लास में। मतलब आपको 200-300 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरी मैथ्स कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों मैथ्स का काम कंप्लीट। अच्छा, करंट अफेयर्स वो भी दोस्तों कल से करंट अफेयर लाने की कोशिश होगा, एक क्लास करंट अफेयर्स की भी। कल तो नहीं, बुधवार से, परसों से करंट अफेयर आपके लेकर आओ दोस्तों। संगणक को लेकर जुनून सिर पर है दोस्तों। ओके, सिर पर ऐसा जुनून है दोस्तों, ऐसा जुनून छाया हुआ है कि बस आप करंट इसको संगणक के अंदर दोस्तों राजस्थान में नंबर वन हासिल करें। और दोस्तों राजस्थान के बच्चों को पता है कि वाकई में स्टैटिक्स की तैयारी कैसे होती है। संगणक एएसओ जूनियर अकाउंटेंट कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड वगैरह, ये कॉमर्स से संबंधित जितनी भी वैकेंसी होती है उनकी तैयारी कैसे होती है, ये मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों कल से तैयार हो आप लोग, कमेंट करके जरूर जवाब देना कि मेरा यह आइडिया कैसा लगा। तो दोस्तों कल से 1 घंटा इस बुक को देंगे, 1 घंटा शाम को 7 से 8 या 6 से 7 जो भी होगा, डेली 1 घंटा बुक को देंगे। सबके हाथ में बुक रहेगी, जिसके हाथ में बुक नहीं है इमीडिएटली जाइए पास के बुक स्टोर में जाइए। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप तो बुक का प्रचार करो, अरे भैया 150 रुपए की किताब है, घर पे मंगाओगे तो 220 रुपए की किताब आएगी। ओके, तो आप लोग इस किताब को मंगाइए। इस किताब का एक एक पेज तुम्हारे आंखों के सामने पलटा जाएगा। पहला पेज आगे चलो, दूसरा पेज आगे चलो, तीसरा पेज आगे चलो। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों, किसी चैनल पर या किसी ऐप पर पूरी किताब का रिवीजन कराया जा रहा है। पढ़ा तो मैं बहुत कुछ दिया, कोर्स कंप्लीट हो चुका, टेस्ट सीरीज हो चुकी, और टेस्ट सीरीज का पोस्टमार्टम हो गया, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया दोस्तों। अब तो मैं खुद सोच रहा था कि करूं क्या, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक बार इस किताब का पूरा रिवीजन करा दूं। दोस्तों 200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन देना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, तो पढ़ने का और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों मेरा आइडिया कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर जवाब दें। और दोस्तों जैसा कि अभी 9:10 हो गई, अभी 10 बजे क्लास है, 10 बजे अपन 10 से लेकर रात के कितने बजे तक, 12-1 बजे तक, रात के 12-1 बजे तक करेंगे आज के टेस्ट पेपर नंबर 15। टेस्ट पेपर नंबर 15 का पोस्टमार्टम करेंगे आज, टेस्ट नंबर 15 का पूरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे पास। घबराना किसी को नहीं है,
घबराना किसी को भी नहीं है, जिन्होंने अभी रिसेंटली कोर्स लिया है वो भी मत घबराना, क्योंकि कल से रिवीजन हो रहा है। ओके, पूरा रिवीजन देखना, डेली की एक घंटा मतलब रिवीजन, और क्लास के अंदर कमेंट नहीं करना, चुपचाप बैठना, किताब हाथ में रखनी, पेन रखना और टिक कर देना कि सर ये इंपॉर्टेंट है, ये काम का, ये इंपॉर्टेंट, ये काम का, ये इंपॉर्टेंट, काम का, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है और पूरे सिलेबस को शानदार और जानदार तरीके से करना। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, आप क्या एक्साइटेड हो तो बताना जरूर मेरे प्यारे साथियों, कल मिलते हैं। ओके, कल से पूरे दिन की तैयारी दोस्तों, ये 22 तारीख यानी लगभग दोस्तों ये तुम्हारे पास जो 25 दिन है ना, 25 दिन, ये 25 दिन मेरे को दे दो, 25 से 27 दिन मेरे को दे दो, बस तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा मैं, जैसे जैसे गाइड करूं ना वैसे। अच्छा, बाकी समय तुम खूब पढ़ो आराम, सेल्फ स्टडी कितनी करते हो करते जाओ दोस्तों। ओके, और जीके की मैराथन क्लास आने वाली है, बहुत कुछ होगा दोस्तों, चलते जाओ दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे पास, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।